स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आईटी है यहाँ पे जाके मेरे रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एंड ओडी पीडी न्यूमेरिकल क्लासेस वेक्टर काफी सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आईटी पे भी जाके आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे यहां पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने काफी सारे वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखे हैं जो कि आईटी पे जाके आपको दिख जाएंगे। इसमें नए में वापस इन जो कंटेंट है इसको वापस अपग्रेडेड वर्जन में आपको अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको नया कंटेंट और भी मिले। तो इसमें देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे क्या होती है, अगर कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है mdx + ndy = 0 और डेल एम बाय डेल वाई इजिकल टू डेल एन बाय डेल एक्स बराबर आता है तो यार इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस यहां पर दे रखा है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो यहां पर एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है सुन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और एन की वैल्यू कितनी है सुन यहां पर बी एक्स प्लस ए वाई प्लस का डी। इसमें आप डिफरेंशिएट करके चेक करिए डेल एम बाय डेल वाई तो आप देख रहे हो यार इसको वाई के रेस्पेक्ट चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ इसका होगा एक्स और सी का नहीं होगा, राइट। तो यार ये हमारे पास बी आ जाएगा। इसी टाइप से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसमें इसका होगा इन दोनों का कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा तो ये भी आएगा। इसमें ये बराबर आ रहा मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है। अगर ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो यार इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाला जो है डी एक्स के साथ जो है उसका सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए और वाई को एज ए कॉन्स्टेंट लेना, मतलब यहाँ पे ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू डी एक्स, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसमें ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसमें एक्स नहीं आ रहा हो। इसमें एक्स को हटा देना है तो आप देख रहे हो डी वाई के साथ ऐसी टर्म लेनी है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, मतलब ये वाली टर्म को हटा दीजिए, ये दोनों टर्म यहाँ पे आ जाएगी और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। और प्लस का यहाँ पे सी हमारा इज इक्वल टू सी हमारे पास आ जाएगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, चूंकि वाई को हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो बी वाई और डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें सी तो कॉन्स्टेंट है डी एक्स का एक्स हो जाएगा एंड इसमें यहाँ पे इसका वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ए वाई स्क्वायर बाई टू प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें ये इसका क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा। और इस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पर स्टूडेंट कंडीशन यहां पे है कि डेल एम बाय डेल वाई हमारे पास डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस बताता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो स्टूडेंट देखिए ये वाला, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको दिखने में बड़ा लंबा क्वेश्चन देखा हो, बाकी ये मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सुन क्या करिए, डीएक्स को उधर मल्टीप्लाई करिए, डीवाई को उधर मल्टीप्लाई करिए। तो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी टर्म जो होगी ये डीएक्स के साथ आएगी तो यार कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डीएक्स हो जाएगा और ये टर्म पूरी की पूरी डीवाई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। इसमें ये हमारे पास एम है तो एम हमारे पास क्या दे रखा है, सुनिए आ रहा है कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई एंड इसमें एन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। हम चेक कर लीजिए तो यार डेल एम बाय डेल वाई निकालेंगे तो वाई का हो जाएगा वन तो ये होगा कॉस एक्स और साइन वाई का होगा हमारे पास कॉस वाई एंड वाई का हो जाएगा हमारे पास, चूंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। इसमें अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं साइन एक्स का हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स और इसमें यहाँ पे एक्स का हो जाएगा वन, ये कॉस वाई क्योंकि ये कॉस जो वाई जो होगा एक कॉन्स्टेंट है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका कर देंगे और यहाँ पे एक्स का वन हो जाएगा। आप देख रहे हो यार ये दोनों बराबर आ रहा है, जब दोनों बराबर आता है इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों बराबर आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। और जब एग्जैक्ट होती है मैंने आपको बोला था इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन किया जाता है, इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई है ना एंड यहाँ पे आ जाएगा वाई, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन किया जाता है। और सेकेंड वाली टर्म में जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसमें ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन किया जाता है जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, तो आप देख रहे हो यार इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है और इसमें भी एक्स आ रहा है, भैया सभी टर्म में एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर एक्स नहीं आ रहा तो ये जीरो हो जाएगा। देन सुन यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है तो y को छोड़ दीजिए, इसमें cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास sin x हो जाता है, इसमें ये sin y हमारे पास कॉन्स्टेंट है पर dx का हमारे पास x हो जाएगा तो ये x sin y हो जाएगा, इसमें y तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है x y हो जाएगा और जीरो का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट होता है तो इसको c ले लीजिए, तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे
सॉल्व करते हैं। सुन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुन जो अगला क्वेश्चन है आपको देखने में थोड़ा सा अजीब गरीब लग रहा होगा, पर ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको dx और dy की टर्म को एक साथ करना है। सुन देखिए यहाँ पे मैं x dx और y dy, सुन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को अलग अलग कर देता हूँ, तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवाई आएगा, माइनस का ये आएगा ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। सुनिए जो हमारे पास dx की टर्म इधर आएगी तो ये आएगी, हमारे पास आएगा x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये वाली टर्म इधर आएगी तो y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ जाएगा। आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है, तो यार m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी x ए स्क्वायर वाई एंड देन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सुन एन आप देख रहे हो तो ये आएगा वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप देखोगे तो डेल एम बाय डेल वाई निकालोगे तो आप देख रहे हो एक्स तो जीरो हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है ना ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, हम इसको यू अपॉन वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सुन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे तो वन माइनस इसमें इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे यहाँ पे तो यार ये तो y है और इसका करेंगे तो ये 2y हो जाएगा क्योंकि x का तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसमें यहाँ पे एक बार वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सुन आप एन को करोगे तो भी हमारे पास ये कि ये टर्म आएगी तो डेल एन बाय डेल एक्स भी यही आएगा, तो सुन दोनों बराबर आएंगे मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी राइट। अब इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा, सुन फर्स्ट वाली जो टर्म है इसका तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे, याद है ना ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सुन सेकेंड वाली टर्म है वो टर्म लेनी जिसके अंदर हमारे पास एक्स नहीं आ रहा हो राइट, तो यार इसमें x आ रहा है पर इस y वाले टर्म में x नहीं आ रहा तो यहाँ पे इसका सिर्फ y dy हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास ये होगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर, चूंकि y कांस्टेंट है राइट तो हम जानते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट है तो y को आप a ले लीजिए तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन a है ना टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, चूंकि हमारे पास वाई को कॉन्स्टेंट मतलब ए ले लिया हमने, प्लस इसका इंटीग्रेशन या तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसमें जब कैंसिल करेंगे तो वाई से वाई उड़ गया तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप तो यार ये हमारे पास दे रखा है, आप देखोगे यार m इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 2x माइनस वाई ये एंड n हमारे पास दे रखा है 2y माइनस एक्स माइनस वन। आप चेक कर रहे हो यार डेल m बाय डेल y निकालोगे तो आप देख रहे हो हमारे पास माइनस वन आ रहा है एंड डेल n बाय डेल x निकालोगे तो यार x क्रस्म करेंगे तो ये भी माइनस वन आएगा तो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट एग्जैक्ट आ रही है और एग्जैक्ट आ रही तो इसका तो सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन करेंगे राइट और वहां पे ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसके अंदर हमारे पास x नहीं आ रहा, तो आप देख रहे हो इस x को हटा दीजिए तो यहां बचेगा 2y माइनस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो 2 से 2 कैंसिल और इसका करेंगे तो एक्स वाई ये आएगा हमारे पास x और इसमें y के रस्म करेंगे तो y का होगा वाई स्क्वायर बाई टू तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू सी। इसमें ये इसका हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुन इस क्वेश्चन को देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास सामने दिख रहा है। सुन ये हमारे पास m है, आप देख रहे हो यार y वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस कॉस वाई दे रखा है, सुन n हमारे पास दे रखा है x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई दे रखा है। सुन आप चेक करोगे तो आप देखते हो यार डेल m बाय डेल y की वैल्यू हमारे पास क्या, सुन y की रस्म करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स आएगा और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन वाई। सुन इसी टाइप से आप इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल एन बाई डेल एक्स आप देख रहे हो यार वन इसका होगा वन अपॉन एक्स और सुन एक्स का होगा वन तो ये आएगा साइन वाई। आप देख रहे हो यार ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है सुन बराबर आ रही, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है सुन बराबर आ रही, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी एग्जैक्ट हो जाएगी। और जब भी हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो सुन इसका तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन करते हैं वाई वन अपॉन वन प्लस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इसमें ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसके अंदर एक्स नहीं आ रहा, पर आप देखो इसमें भी एक्स आ रहा है इसमें भी एक्स आ रहा है इसमें भी एक्स आ रहा है तो इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें एक्स नहीं आ रहा है ना, तो यार हमारे पास ये क्या होगा डी एक्स हो जाएगा डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट राइट। आप देख रहे हो यार इसका डी वाई तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, इसमें वन का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स होगा वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग एक्स होगा, इसमें कॉस वाई तो कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे कॉस वाई कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा तो ये होगा हमारे पास
x cos y is equal to c. So, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा. तो यार इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. So, सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं. इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमोजीनियस से भी करना सिखाया था. इसमें आप देख रहे हो यार, ये हमारे पास m है, 1 प्लस e की पावर x बाय वाई. आप देख रहे हो यार, ये हमारे पास n है, e की पावर x बाय वाई, 1 अपॉन एक्स बाय वाई. आप देख रहे हो यार, डेल एम बाय डेल वाई निकालेंगे तो आप हमारे पास 1 तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और e की पावर x बाय वाई का करेंगे तो 1 अपॉन, मतलब e की पावर x बाय एज इट इज आएगा, और 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, तो ये माइनस का x बाय वाई स्क्वायर होगा. इसी टाइप से आप जब n का निकालोगे तो डेल एन बाय डेल एक्स भी यही आएगा, बराबर आएगा. मतलब ये बराबर आ रहा, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट हो जाएगी. इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे हम तो 1 अपॉन e की पावर x बाय वाई का तो सीधा इंटीग्रेशन होगा. इसमें ऐसे टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसके अंदर x नहीं आ रहा, पर यहाँ पे सभी टर्म में x आ रहा, तो यार ये 0 dy हो जाएगा इज इक्वल टू सी. इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x बाय वाई. और चूंकि x के रेस्पेक्ट करें तो 1 अपॉन y हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू यहाँ पे c आ जाएगा. सो y ऊपर गया तो यार x प्लस y e की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू c हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जबकि ये चार लाइन का क्वेश्चन है. ठीक है, आगे देखिए. सो सुनिए यार, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. सुनिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है. आपको ये पता लगाना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट है, नॉट एग्जैक्ट है, कांट्स है, नन ऑफ दिस. तो आप एक बार इसको ट्राई करें और इसका आंसर मुझे लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी. लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने पहले वीडियो जो अपलोड कर रखा है वो यहाँ पे दिख जाएंगे. इसमें जो नए वाले वीडियोज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. मैं नए वाले चैनल पे काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूँ, तो वो मेरे यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. इस यहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग मी. लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.